अभी अभी फर्स्ट टाइम कर अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? हेलो गाइस, दिस इज खाकान इब्राहिम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेआईसे फिल्म। सो आज के इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के ये व्लॉग भी कह सकते हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियो भी कह सकते हैं। आज हमने ट्राई किया है हिजामा, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जिस समय बहुत डरता था हिजामा, और क्योंकि डरता इस वजह से था क्योंकि खून निकलना देखना, तो इस वजह से डरता था। तो फाइनली हमने कर लिया है, तो करने के जो प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं इस तरह। हेलो गाइस, तो पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ हिजामा, जो कि सुन्नत भी है और काफ़ी सारी बीमारियों के हाल है। डॉक्टर साहब आपको बाद में बताएंगे। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा डर भी लगे। मेरे सामने अभी अंचल ने किया है, लेकिन ट्राई करते हैं। जी तो ये दिखने में ज़रा सिंपल भी लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। इसमें थोड़ी बहुत पेन, उलझन और थोड़ी घबराहट सी होती है पहले, क्योंकि एक तो ब्लेड को देख के घबराहट होती है कि उससे कट लगना है, और दूसरी बात ये जब पंप करके आपके गोश को ऊपर खींचते हैं तब थोड़ा सा ये होता है कि आपको ज़रा टाइट सा लगता है। वो काफ़ी रिलैक्स रहना पड़ता है, अपने हार्ट बीट्स को काफ़ी कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा शुरू में मुझे लगा कि मुझे मतलब एक डर सा लगा और थोड़ा सा नर्वस में हुआ, लेकिन इन अ सेंस जब ये सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज्ड हुआ और वो दर्द कह सकते हैं या वो खिंचाव कह सकते हैं उसको मैंने काबू कर लिया और मैं बिल्कुल ठीक रहा उस पर। तो सबसे पहले ये होता है कि ड्राई कपिंग होती है, जिसमें आपका खून नहीं निकलता है, जिसमें आपका सिर्फ गोश्त को ही खींचा जाता है, जिसमें खून को एक जगह पे जमा किया जाता है। तो ड्राई कपिंग को थोड़ी देर रखने के बाद उसको फिर निकाल के फिर आपके स्किन पे कट लगाया जाता है, और उस कट लगाने के नतीजे में फिर वहाँ से खून निकलना शुरू होता है, और आप फिर कब उस पे दोबारा लगा के उसको फिर वैक्यूम पंप की तरह कुछ है उससे वो फिर पंप करके आपको आपके जो खून है उसको निकाल लेते हैं। इन अ सेंस कि गंदा खून निकल जाता है आपके बॉडी से और आपको ज़रा सा सुकून। और जी तो मैं बोल रहा था कि ये काफ़ी बेहतर होता है। आगे इसके बारे में दूसरे जो लड़के हैं वो भी राय देंगे, और जो ये करते हैं वो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में समझा सकेगा। तो चलते हैं दूसरों की तरफ। तो है ले सीरियस पिटाता सो सीरियस सीरियस तो कैसा लगा आपको हजामा करके? मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक माले
परेशान भी होता हूँ यार, बता दें चीज करे हजामा करे। मैं कहता हूँ महीने में एक बार तो हजामा ज़रूर होना चाहिए। मैं नेक्स्ट मंथ सोच रहा हूँ कि मैं ज़रूर हजामा करूँगा। नहीं, सब कुछ रिलैक्स हुआ, इतना कोई मसले ही वाली बात नहीं है, पता भी नहीं चलता आपको और सारे प्रोसेस होके ख़त्म हो जाते। नहीं नहीं, मैं कहाँ से डरा, तुम डरे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़कावत अली, मैं आज यहाँ पे हूँ खाकान के स्टूडियो में। तो मैं आपको आज हजामा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक महीने पहले मैंने हजामा किया था और उसका मुझे मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ रिलीज़ हो रहा था और मैंने एक हफ्ते तक बहुत ही मतलब स्ट्रेस फ्री महसूस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब मैं नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई करूँगा। इस मंथ मैंने थोड़ा ज़्यादा ट्राई किया था कप, मैंने कोई पहले फर्स्ट मंथ में मैंने सिर्फ 6 कप का किया था। इस मंथ मैंने 11 कप किए, जिसके मैंने चेहरे पे 3 किए हैं और मैदे के लिए यहाँ पे 3 और पीठ पर 5 के करीब किए हैं। अगर कोई अगर स्ट्रेस में हो या फिर अगर किसी को मतलब सुस्ती आती हो तो फिर हजामा करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। आप ख़ुद महसूस करोगे आधे घंटे घंटे में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने भी लास्ट मंथ किया था और मुझे रिज़ल्ट मिला, तो इस मंथ मैंने फिर किया है। देखिए, अगर आप पीठ की बात करें तो पीठ पे इतना पेनफुल नहीं होता ये, लेकिन पेट पे थोड़ा सा, क्योंकि ये हसास एरिया है तो फिर यहाँ पे काफ़ी पेनफुल है। बाहर जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग थोड़े से ना जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि ये आप एक बार करेंगे तो फिर आपको शायद वहीं पे आप कैंसिल करें, क्योंकि बहुत पेनफुल है ये पेट वाला एरिया। और चेहरे पे अगर आप गाल पे करोगे तो इतना पेनफुल नहीं है, पेशानी पे बहुत पेनफुल है, क्योंकि ये आपके पूरे सर को पकड़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ ने आपके सर को दबाया हो। तो मुझे बहुत पेनफुल था, लेकिन उसके बाद जो रिलीफ मिलता है ना, वो शायद उस पेन को फिर। बाकी आप नहाने की बात करें तो अगर आप ना हजामा करते हैं तो फिर जितना हो सके मतलब 10-15 मिनट में नहा लें, क्योंकि उससे हाइजीन का थोड़ा सा मतलब इशू नहीं होगा, जरासीम हो सकते हैं और उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर आप नहाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कराची में तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर पसीना आता है। तो इसलिए चाहिए कि 10-15 मिनट में आप नहा लें, फिर खून साफ़ कर ले, फिर आप आधा घंटे घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि हर कोई जिसने अब तक ट्राई नहीं किया है, ट्राई ज़रूर कर ले, फिर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है जी। मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो चुका है। सबसे पहले तो हिजामा जो है ना सुन्नत है, हर बंदे को लाइफ में एक बार जो है ना इसको हिजामा जो है ना लाजमी करना चाहिए हिजामा, क्योंकि ये सुन्नत है। इससे इसमें होता क्या है कि इसमें जो है ना इंसान का जो गंदा खून है, टॉक्सिक ब्लड जो होता है, जो इंसान के अंदर जिस्म में जमा हुआ होता है, वो हिजामा के ज़रिए साफ़ होता है, जिससे इंसान काफ़ी फ्रेश और रिलैक्स हो जाता है। तो एक बार लाइफ में लाजमी करें, और इससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी दूर हो सकती हैं। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से करें तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ भी इससे दूर हो सकती है। तो हिजामा लाजमी करें। हिजामा करने के बाद जो है ना आपको तकरीबन 15 से आधा घंटे बाद जो है ना आपका अपने आप को नहा लें, हिजामा करने का जिस एरिया पे हिजामा किया है उसको मतलब पानी से धो लें तो बहुत बेहतर रहेगा। शहद लगाना भी जो है ना सुन्नत है, इससे ब्लड क्लोटिंग में जो है ना तेज़ी आती है, आपकी ब्लड जो है ना बाहर ओवरफ्लो नहीं होती है, लेकिन ये सुन्नत भी है बेहतरीन। नहीं, ब्लड ऐसे लगाना होता है ना जैसे कि मतलब अंदर स्किन ऊपर स्किन पे लगाना होता है, अंदर मसल पे ये कट्स नहीं लगाना होते, बहुत ही ऊपर से बारीक कट लगाने होते हैं स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर जो टॉक्सिक ब्लड जमा हुआ होता है वो जो है ना हिजामे के ज़रिए निकालना होता है, इसके लिए ऊपर स्किन पे कट लगाना होता है, इसलिए खून का इतना वो नहीं होता, खून नहीं निकलता है वहाँ से, वो टॉक्सिक जमा हुआ खून जो टॉक्सिक ब्लड कहा जाता है वो निकलता है। अगर गैर तजुर्बा शख्स अगर हिजामा करे तो ब्लीडिंग का मसला हो सकता है, बाद में खून रुकने का मसला हो सकता है, खून बहता है जिस वजह से जो है मरीज़ की हालत बिगड़ सकती है, इसलिए अनएक्सपीरियंस बंदे से आप हिजामा ना करवाएं, एहतियात करें। अच्छा, आप ये भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं? मैं दो तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक तो जो है ना होम
डिलीवरी टाइप है, मतलब वहाँ पे मैं जाके लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं वहाँ पे उनके घर जाके उनके ऑफिस जो है दफ्तर है उनके जगह पे जाके मैं उनका हिजामा करता हूँ, या फिर लोग जो है ना मेरे पास आके मेरे घर पे आके जो है ना हिजामा करवा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब बजट में होता है ये हिजामा, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मतलब वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, इस वजह से थोड़ा मैं लोगों को लगता है कि ये बहुत महंगा होगा, लेकिन बहुत ही मुनासिब रेट में होता है हमारे यहाँ पे। आप इंशाल्लाह आप आएंगे तो बहुत मुनासिब रेट होगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर शख्स जो है ना अपनी लाइफ में एक बार हिजामा ज़रूर करवाएं, ये एक्सपीरियंस करके देखें कि मतलब आपको कैसा लगता है, एक बार ज़रूर करवाएं ताकि आपका जिस्म जो है ना गंदे खून से पाक हो, फ्रेश हो, तो आप एक बार लाजमी करवाएं, हो ये बहुत सुन्नत भी है, बहुत लाजमी करवाएं एक बार। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो उम्मीद है आपने आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत जल्द हम काफ़ी अरसे बाद ट्रेवल करने वाला लगे हैं, ट्रेवल इन अ सेंस कि पिंडी से इस्लामाबाद, पिंडी से यहाँ पे तो ट्रेवल कर ही रहे हैं, लेकिन टूर प्लान किए बड़ा अरसा हुआ है, टूर किए हुए पिछले साल तकरीबन चित्राल का मेरा आखिरी टूर ही था, तो उसके बाद फिर टूर पे नहीं गया हूँ, तो अभी दोबारा प्लान कर रहा हूँ कि कोई टूर करूँ, कोई अच्छा सा प्लान करूँ, तो बहुत जल्द वो बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ और क्या सीन है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खाकान इब्राहिम को याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।